मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं आज के हालात क्या हैं। आज की अहम खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से है, जहां पर साहित्य भवन में आम आदमी पार्टी वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही था कि जिस तरह से दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूलों को केजरीवाल ने इस तरह से कामयाब तर स्कूल बनाए हैं कि जिसे देखने के बाद लोगों को महसूस होता है कि ये शायद प्राइवेट स्कूल है। मगर इसी तरह जब बेलगावी और कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं है, ज़मीन पर बिठाया जाता है और टॉयलेट बाथरूम का कोई बंदोबस्त नहीं है और यहाँ पर पाक सफाई का इंतज़ाम नहीं है। बहुत ही मुश्किल से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसा लगता है ये कई मजबूर बच्चे हैं और इनका कोई पुरसान हाल इनको देखने वाला नहीं है। इसी तरह जब प्राइवेट स्कूल देखेंगे तो आलीशान बिल्डिंगों में मौजूद हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन स्कूलों के बिल्डिंग्स को अच्छे बनाए, अच्छी तरह से इनकी कंस्ट्रक्शन करके बच्चों को बैठने का और डेस्क का, पाक सफाई का और टॉयलेट बाथरूम का इंतज़ाम करे, क्योंकि ये भी तो इंसानियत के बच्चे हैं। ये भी इंसानियत है कि हमें सिर्फ ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं जो पैसे वाले होते हैं, मगर इन गरीब बच्चों को, मजबूर बच्चों को कौन देखेगा। इनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले आगे आना चाहिए और इनके लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जो बच्चों को एजुकेशन हासिल करने में मदद हासिल हो सके। इसी तरह आम आदमी पार्टी के रिपोर्ट के हिसाब से बेलगावी के अनगुल में गवर्नमेंट स्कूल का उन्होंने मुहासरा किया और वहाँ पर देखा किस तरह से गंदगी फैली हुई, किस तरह से कंस्ट्रक्शन के हालात ख़राब हैं, ये बिल्डिंगें कब गिरते हैं, कब इनका हाल क्या होगा कोई पता नहीं है। और यहां पर गंदे चीजें भी बताए गए हैं जो कंडम का इस्तेमाल करके वहां पर कई कंडम के पॉकेट्स वगैरह फेंके जा चुके हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने इन गवर्नमेंट स्कूलों को पूरा रिकॉर्ड के साथ दिखाते हुए यह इल्जाम लगाया है। आइए देखते हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और उनके जो एजुकेशन के बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम हालात का जायज़ा लिया और लोगों को इत्तला दी है और गवर्नमेंट से अपील की है कि जल्द से जल्द इस काम का अंजाम दिखाएं और इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन स्कूलों के बारे में जल्द से जल्द कोशिश करके आला तालीम के लिए और आला बिल्डिंग बनाने का काम करें। आइए देखते हैं संचार टाइम क्राइम न्यूज़ की खास बुलेटिन में। आज हम बेलगावी साहित्य भवन में मौजूद है, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कर्नाटका में, स्पेशली इन बेलगाम, जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल के हालात है, बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, पाक सफाई का माहौल नहीं है, जिस तरह से इन्होंने दिखाया है यहाँ पर, और जो हॉस्पिटल्स हैं तालुका लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इस बात को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या आपकी अपील है? देखिए, फर्स्ट अपील कैसा है गवर्नमेंट से, आज हम गवर्नमेंट के पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, आपके पास अच्छे टीचर्स है, अच्छे डॉक्टर्स है, लेकिन आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे और देने के बाद उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा मेन मुद्दा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो। सिर्फ स्मार्ट सिटी में आपने रोड बनाया, आपने ये बनाया, कॉन्क्रीट रोड बनाया, कॉन्क्रीट गटर बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दो चीज़ है हिंदुस्तान में आगे बढ़ने के लिए, एक तो आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा मिलते वक्त उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों को मिलना चाहिए। ज़मीन पे बैठी है, ना टॉयलेट है, ना पीने के लिए पानी है, ये सब नहीं चल सकता, क्योंकि कर्नाटक एक लीडिंग स्टेट है, एक IT हेड है, हमारे पास बजट है, एवरीथिंग, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर एक बार सरकार ने इच्छा शक्ति पूरा है किया, सबको स्कूल बदलना है, तो जून जुलाई में जो स्कूल चलेंगे वो एकदम नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर में चल सकते हैं, कि इतनी ताकत सरकार में है, उनके लिए कोई परमिशन के लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, कल सुबह से नया बिल्डिंग बांध सकते हैं। तो किस जगह पे बहुत कम बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन फिर भी स्कूल चला रहे, बंद करो ना, मिक्स जगह पे मिक्स करो, मिलाओ और बांधो, बड़े बिल्डिंग बांधिए, वो टाइप को मिक्स एंड मैच करके आपको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। उसी तरह जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटल बताऊँ, जो हमारे हॉस्पिटल्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोजीशन पे अभी ठीक ठाक चल रहे, लेकिन तालुका लेवल पे और जो हमारा मेन मुद्दा रहता है PHC जो बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा देना पड़ेगा। तालुका लेवल पे डायग्नोस्टिक सेंटर की आज अवेलेबिलिटी नहीं है बहुत सारे तालुका में, आज तालुका बड़े हो चुके हैं, हम लोग पहले जैसे नहीं है, खानापुर इतना बड़ा हो गया, कागवाड़, रायबाग, लेकिन वहाँ पे कुछ हो गया तो लोग या बीजापुर जाना पड़ता है या बेलगाम आना पड़ता है या नियरेस्ट चिकोड़ी जाना पड़ता है,
तो एक 50 किलोमीटर्स के आस 25-50 किलोमीटर्स के आसपास एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाइए जो हर एक लोगों को मदद हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह स्कूल्स में भी आप हर जगह पे डेवलप नहीं कर सकते, 5-6 किलोमीटर रेडियस 10 किलोमीटर रेडियस में अच्छे अच्छे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जहाँ पे लोग आके पढ़ सकते हैं। सर अभी जो गवर्नमेंट स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी की है इन मुद्दों पर काम कर रही है कि अजान को बंद किया जाए, हिजाब का है मसला, झटका, हलाल मीट, ये चक्कर में पड़ी हुई है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इनको न लोगों की फिक्र है, न देश की फिक्र है, न देश की आवाम की फिक्र है। आप एक पार्टी है मुद्दे को लेकर चल रहे, सबसे पहले एजुकेशन, पाक सफाई, इंसानियत में जो नफरत की आग फैलाई जा रही है उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी का रोल क्या हो? आम आदमी का पार्टी का रोल इसमें वेरी क्लियर है। जो JCB जो हम बोलते हैं, जनता दल, कांग्रेस और BJP, इसको हटाना है। पीछे क्या हुआ है हम उसमें पर बहस करते गए तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम के थ्रू पे, थोड़े दिनों के लिए जात पात भाषा सब बाजू में रखिए, एक परिवर्तन लाइए। हमारे पास 224 MLA जो कम से कम उसमें से 60-70% MLA ऐसे है जो लास्ट 20-25 साल से जीतते हैं, उनके पिताजी पहले थे, अभी वो है, अभी उनके बेटे को तैयारी कर रहे। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आम आदमी भी वोट भी ऐसा ही कर रहा है ना, थोड़ी ये कोई इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर ही हो रहा है, किधर भी ये नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे लोगों को भी मैं एक इस बार हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि बदलाव लाइए, चेंज लाइए, एक होके आम आदमी पार्टी। हम लोग आम आदमी को ही खड़ा कर रहे हैं, हमारा सिर्फ तीन ही मुद्दे रहेंगे, सरल व्यवस्था, स्वच्छ व्यवस्था, स्वच्छ हागो सरल व्यवस्थे अथवा स्वच्छ हागो सरल आडलित, वेरी क्लीन एंड नीट गवर्नेंस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है स्कूल्स, बच्चों का पढ़ाई। थर्ड आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीन छोड़ के हमारे पास कोई और मुद्दे नहीं है अगले 5 साल के लिए। 2000 कांग्रेस के एक्स MLA बेलगावी के मशहूर मारूफ लीडर अलहज जनाब फैरोज सेठ साहब की जानिब से बरादरान इस्लाम को दिल की गहराइयों से रमजान आमद की मुबारकबाद पेश है और ये उम्मीद है कि आप तमाम लोगों का रमजान में खुशियों के साथ और बड़ी दिल की तमन्नाओं के साथ गुजरे और अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, आमीन। AIMIM के कर्नाटका स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनाब लतीफ खान पठान की जानिब से कर्नाटका के और बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से रमजान की इस आमद की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम मुसलमानों का रमजान जो है इबादतों में और दुआओं में गुजरे और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, आमीन। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल इंचार्ज, कोरोना वॉरियर और हर वक्त गरीब लोगों की मेडिकल लाइन से मदद करने वाला हीरो योद्धा जनाब अब्दुल कादर की वाले की जानिब से बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुसलमानों को रमजान की आमद की मुबारकबाद पेश है और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोगों का रमजान इबादत में, रोजों में और दुआओं में गुजरे ताकि आने वाली बीमारियों से आप सबकी हिफाजत हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके जायज मकासिद को पूरा करे, आमीन। AIMIM बेलगावी के कारपोरेटर शाहिद पठान की जानिब से तमाम बेलगाम के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका रमजान इबादतों और दुआओं के साथ गुजरे ताकि आने वाले मुश्किल हालात में अमन और सुकून बाकी रहे। और हेल्थ के लेकर जिस तरह से एजुकेशन का हाल दिल्ली में केजरीवाल के जरिए गवर्नमेंट स्कूलों का बनाया गया है, उसी तरह अगर बेलगावी में हम बात करेंगे तो बेलगाम के गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत ही बदतर है। यानी लोगों को बैठने के लिए सीट नहीं है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, पाक सफाई नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, टॉयलेट बाथरूम जिस तरह से है ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पैसे देकर नहीं जा सकता, ज़्यादातर हमारी आबादी जो है गवर्नमेंट स्कूल को रेफर करती है। इस हालत में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा इन स्कूलों को सुधारने का? सर, आम आदमी पार्टी जैसे ही बेलगाम में आई है हम उस पर इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जब से हम स्कूल में थे तब से हम देख रहे हैं कि कोई सुधार नहीं हुआ है। इसी मामले को लेकर के हमने तकरीबन 25 से 30 स्कूल का सर्वे किया है। उसमें अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू देखा होगा, तस्वीरों के और वीडियो के ज़रिए आपने दिखाने की कोशिश की है और ये कोई डाउनलोड की हुई तस्वीरें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल जा कर के स्कूल में ली गई तस्वीरें हैं।
वहाँ के हेडमास्टर से और वहाँ के टीचर से, वहाँ के स्टूडेंट से हम लोगों ने बात की है, उन्होंने ही कोई उनके पास जवाब नहीं है। अब जैसे हम हेडमास्टर को पूछते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हमें 10,000 से 12,000 रुपये उतने ही आते हैं कि हम उसमें क्या करें सर। लेकिन हम जब उनको बोलते हैं कि आपको ये हमें थोड़ा सा इंटरव्यू दे दो या आप जो है ना वो कैमरा के सामने आके बोलते, तो वो मना करते हैं कि सर हम आपको हेल्प तो करेंगे लेकिन हम सामने आके नहीं बोल सकते हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं, हम हर माँ बाप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हो गया। और ये हमको इंस्पिरेशन मिला है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से। जब दिल्ली में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? अरविंद केजरीवाल अगर इसको इस पे पैसे लगा रहे हैं या तो इसके लगा रहे हैं, ये कोई अपने घर से पैसे नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर भी बजट है लेकिन वो बजट का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, इन स्कूलों को देख के पता चलता है करप्शन है। इसीलिए बजट का पैसा आया हुआ कहाँ जा रहा है? क्यों सिर्फ हेडमास्टर को या उस स्कूल को 10,000 से 12,000 रुपये उतने ही क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? यही जानने की हमने कोशिश की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम हर वो माँ बाप को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आएँ, इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी तादाद बढ़ेगी उतनी ही गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं, उनको हम साफ साफ उन्होंने हमने उनके पेपर में कहा है, क्या आपके क्या मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हम जानते हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप अधिकार में हैं, आप चेंज कर सकते हैं। हम आम पब्लिक हैं, आप तक हमारी समस्याएं हम लेके आ सकते हैं, तो आप इसको सीरियसली एक्शन लें। इसके ऊपर आप जो है एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें और इसको सॉर्ट आउट करें। आप 2 से 3 महीने की छुट्टी रहेगी स्कूलों को, इस दरमियान वो कर सकते हैं। इन क्योंकि सरकारी स्कूलें हैं, किसी से अनुमति लेने की या परमिशन लेने की, ब्लूप्रिंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नियत करना ज़रूरी है। आज अगर ये चाहें तो आज स्कूल को गिरा के कल इमीडिएटली ये बेहतर स्कूल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बस इनको कुछ उसमें दिमाग में आना चाहिए कि कुछ अच्छा काम करें। और क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ये क्यों दूसरे गरीब बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझ रहे हैं, ये हमारा एक प्रश्न है उनके लिए। इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम इस पर लगी हुई है, पूरे स्कूलों को जा रहे हैं। इसके बाद हम हर गाँव में जाएंगे और आप मीडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बात को बढ़ाएँ, क्योंकि ये आपके बच्चों का भी फ्यूचर का सवाल है, हमारे बच्चे और हर बच्चे, हर देश, इस दुनिया का हर देश पहली प्राथमिकता देती है हेल्थ पे और एजुकेशन पे। एक सिर्फ इंडिया ही है कि इस पे तवज्जो नहीं दे रहा है, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें खुद बयान करती हैं कि किस तरह से इनकी मंशा है। तो इनको मंशा को बदलना पड़ेगा और हम सबको इन पर प्रेशर डाल के इनकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि 1 से 5 स्टैंडर्ड तक बच्चों को नीचे ही बैठना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भाई? क्या आप अपने बच्चों को नीचे करने के लिए भेजते हैं? और हमने 50 स्कूलें जो इन्वेस्टिगेट किया है, एक भी स्कूल में पियोन नहीं है, एक भी स्कूल में बाथरूम साफ करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। हमने स्टूडेंट से बात की है, वो साफ कहते हैं सुबह आने के बाद हमसे झाड़ू मरवाया जाता है, और यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि बाथरूम तक क्लीन कराया जाता है। मैं पैसे वाला हूँ, आप अधिकार हैं, आप पैसे वाले हैं, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाके बाथरूम साफ करें? क्यों? जब आपके बच्चों को आपको साफ़ नहीं कराना है, मैं अपने बच्चों से बाथरूम नहीं साफ कराना है, तो क्यों वो बच्चे साफ़ करें? वो बच्चे किसी के बच्चे नहीं हैं क्या? उनके माँ बाप नहीं चाहते कि अच्छी स्कूल में पढ़े और इस सबसे ना हो? तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देखें, ये बहुत हो गया। 75 साल में जो नहीं हुआ है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने 8 साल के राज में करके दिखाया है। इससे हमको प्रेरणा मिली है, उसी चीज़ को हम बढ़ाते हुए कर्नाटक की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सर। खबरों को प्राइम न्यूज़ इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।